इतिहास के पन्नों में अपने गौरवशाली अतीत को संजोए राजस्थान। राजमार्गों के बिछते जाल से बदल रहा है इसका चेहरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मदद से गढ़े जा रहे प्रगति के नए आयाम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद हमने रोड निर्माण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जो 50-60 साल में नहीं हुआ वो काम हमने 3 साल में किया है। राजस्थान में मेरा विश्वास है कि 5 साल जब हमारी भारत की सरकार जब पूरी करेगी 2,00,000 करोड़ के काम, रोड के काम राजस्थान में होंगे। जो सीमावर्ती भाग है वहाँ कुछ जगह पर हम रोड का उपयोग एयरपोर्ट के लिए जैसा करने वाले हैं, जहाँ हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। सड़क निर्माण में कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो कार्य असंभव सा प्रतीत होता है। NH-76 में चंबल नदी पर 1.5 किलोमीटर अत्याधुनिक तकनीक से बना 6 लेन का केबल आधारित पुल उसी असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने का एक उदाहरण है। इस पुल का ठेका 2006 में दिया गया था, लेकिन निर्माण में बार बार आने वाली बाधा के कारण लोगों ने ये मान लिया था कि इस पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन चुनौतियों और बाधाओं को पीछे छोड़ आज ये पुल बनकर तैयार है। इस पुल के निर्माण में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का कार्य पूरा हो गया। राजस्थान की प्रगति की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 15,100 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 430 किलोमीटर लंबी किशनगढ़ श्यामला जी सड़क ने राजस्थान को जोड़ा, देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई से। आज राजस्थान के अंदर 15 किलोमीटर रोज बन रहे हैं, साथ में उनके ऊपर 5 करोड़ रुपया रोज खर्च हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं और आभार प्रकट करना चाहती हूं हम सब की ओर से, जिन्होंने हमें आज इतनी सारी और इतनी बड़ी सौगातें दी हैं। 2 दशक से अधूरे काम हुए पूरे। 1990 से थी लोगों की मांग, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान को जोड़ते हुए बार बिलारा जोधपुर 4 लेन का काम तीव्र गति से जारी। राजस्थान सहित देश की संपूर्ण सुरक्षा और समृद्धि के बने नवीन आयाम। 2014 से पहले 7,498 किलोमीटर सड़क, जो बढ़कर हुई 14,465 किलोमीटर। 2014 से 2019 5 साल में 2,00,000 करोड़ के निवेशक का लक्ष्य। 2014 से 2017 सिर्फ 3 साल में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 35 से बढ़कर हुई 85। 3 साल के कम अंतराल में ही 10,500 करोड़ की लागत से 44 बड़ी परियोजनाओं का काम हुआ पूरा। 1938 किलोमीटर NH का भी हुआ निर्माण। 21,890 करोड़ की लागत से 4,886 किलोमीटर NH का काम तीव्र गति से जारी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ की लागत से 1959 किलोमीटर NH का हो रहा निर्माण। 6 लेन का 47 किलोमीटर लंबा 1668 करोड़ की लागत से जयपुर रिंग रोड का होगा निर्माण। नए मार्गों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक उन्नति ला रही लाखों चेहरों पर मुस्कान। विकास की राह पर बढ़ते समृद्ध राजस्थान की सड़कें आपको कुछ यूं बुलाती हुई मिलेंगे, पधारो मारो देश। चल पड़ा है राजस्थान।